हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएम पुड़े। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं रत्नागिरी घूमने के साथ प्रमुख स्थान। नंबर 7, मांडवी बीच। मांडवी बीच समुद्र किनारे व्यापक विस्तार है जो रत्नागिरी शहर में स्थित है। यह बीच रजेवाड़ा बंदरगाह तक फैला हुआ है और दक्षिण में अरब सागर से मिलता है। इसे रत्नागिरी का गेटवे कहा जाता है। इस बीच को काला समुद्र भी कहा जाता है क्योंकि यह काली रेती पाई जाती है। यह बीच पर्यटकों के लिए आकर्षित करता है। नंबर 6, मरीना एक्वेरियम। मरीना एक्वेरियम संग्रहालय रत्नागिरी शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इसका निर्माण 1985 में करवाया गया। इस संग्रहालय में आपको विभिन्न प्रकार की समुद्र मछली देखने को मिलेंगी। साथ ही 55 फुट का देव मछली का संगम है, ये यहाँ का मुख्य आकर्षण है। नंबर 5, आरेवारे बीच। यदि आप एक तरफ घाटों पर और दूसरी तरफ समुद्र तट पर अक्सर देखा जाने वाला संयोजन देखना चाहते हैं, तो आपको रत्नागिरी के पास आरेवारे बीच पर जाना चाहिए। रत्नागिरी से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर है। सफेद रेत, आसपास के नारियल के वृक्ष, प्रकृति सुंदरता का अनुभव किया जा सकता है। नंबर 4, थीबा पॉइंट। थीबा पॉइंट महल का सबसे अच्छा पॉइंट है। इस जगह के पास उद्यान बनाया गया है। उद्यान में स्थित टावर से भाटी खाड़ी और राजीवाड़ा बंदर के मेन रम में दृश्य दिखते हैं। यहाँ सूर्यास्त को देखने के लिए सैलानियों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 3, जयगढ़ किला। जयगढ़ किला रत्नागिरी से 42 किलोमीटर दूरी पर है। यह किला कोकण में सबसे लोकप्रिय किलों में से एक है। यह किला 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ जो आज भी मजबूत स्थिति में है। किले का ऐतिहासिक महत्व बताने वाला संदर्भ आज भी उपलब्ध है। किले में 28 मीनारे है। नंबर 2, रत्नदुर्ग किला। रत्नदुर्ग किला सभी प्रकार का इतिहास और कला प्रेमियों के लिए खुशी का स्रोत है। यह किला 600 साल पहले 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। शहर से लगभग 5 किलोमीटर दूरी पर है। यह किला 1300 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा और लगभग 1 किलोमीटर का चौड़ा है। इस किले को भगवती दुर्ग किले के नाम से भी जाना जाता है। किले का परिसर में एक लाइट हाउस भी है। नंबर 1, गणपति पुले। गणपति पुले का स्वयंभू गणपति मंदिर इस निद्रालु गांव का महाकाय आकर्षण है। इस मंदिर में गणपति की मूर्ति कथित तौर पर 400 साल पुरानी है और हजारों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। गणपति पुले के समुद्र तट न केवल अपरिवर्तित और स्पष्ट पवित्र पानी से परिपूर्ण है, नारियल ताड़ की रेखा पूरे समुद्र तट पर फैला हुआ दूर से मोहक दिखता है। वेल दोस्तों, ये तो थी रत्नागिरी की कुछ खास जगह। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।